काफ़ी सारे दोस्तों किसान भाइयों का कमेंट रहता है कि पोल्ट्री फार्म कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो तो किस तरह से पोल्ट्री फार्म बनाएं कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। जो भी भाई चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हमारे तीनों पोल्ट्री सेट दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से पोल्ट्री फार्म बनाना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप ये जो पोल्ट्री फार्म देख रहे हो, इस पोल्ट्री फार्म की हाइट कम है। इसकी हाइट हमने कम क्यों रखें, क्योंकि दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हो 11,000 वोल्टेज की जो लाइट है वो गई है, इसके लिए हमने इसकी हाइट कम रखें। और बाकी दोस्तों हमने इस फार्म को दोनों साइड से दीवार दिए हैं, इधर से और दोस्तों उधर से, बाकी दो साइड से खुली जाली है, देख सकते हो आप। और ये हमने इसको पाइप के बल में खड़ा करे हैं, जो कि लोहे के पाइप है। और ऊपर भी दोस्तों हमने कैंची बना है और बीच में लगाए कॉलम। इसमें हमें लागत दोस्तों लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की लगी थी, ये आज से दोस्तों समथिंग 4 साल पहले। बाकी दोस्तों इस फॉर्म की मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म हमारा कैसा बना है और दोस्तों वो फॉर्म कैसा बना है। दोस्तों जो वो पोल्ट्री फॉर्म है वो दोस्तों हमारा बहुत ही शानदार बना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों इस पोल्ट्री फार्म को आपको बता देता हूँ मैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी दोस्तों इस पोल्ट्री फार्म में जो कॉकरेल का चूजा को आए हुए, आज लगभग 27 दिन हो चुका है। 27 दिन में इसका वजन काफ़ी अच्छा आ रहा है। हमने दोस्तों आप देख सकते हो बिस्से दिए कालम, जो कि टोटल 2, 4, 6 कालम है दोस्तों। और इसकी लंबाई की बात करूँ, लंबाई है इसकी 60 फीट के आसपास इसकी लंबाई है, और चौड़ाई है दोस्तों हमारे पोल्ट्री फार्म की 28 फीट। और यहाँ पर 1500 से 2000 मुर्गा आराम से पल जाता है, 2000 मुर्गा दोस्तों हम आराम से डालते हैं, तो 1700 से 1800 बच्चा हमारा कॉकरेल का यहाँ पर आराम से रह जाता है। आप देख सकते हो हमने ये जो पाइप दिए दोस्तों, ये भी एकदम कम से कम लागत में हमने बना है। जो लोहे की राड रहती है हमने दोस्तों उसमें ये यूज़ करे हैं, और ऊपर में जो पाइप है ये यूज़ करें दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो कि जो जाली दोस्तों, जाली भी हमने एकदम अच्छी क्वालिटी की लगाएं, अभी तक जाली में दोस्तों कुछ भी जंक वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये हमने पाइप में खड़ा करें, इसको बनाने में लगभग 3 लाख रुपये की लागत लगी थी। फार्म दोस्तों काफ़ी अच्छा बना है, बट यदि ये फॉर्म हमारा थोड़ा ऊँचा रहता तो दोस्तों और ज़्यादा बेटर रहता। अब दोस्तों मैं आपको अपना दूसरा फॉर्म में ले कर चलता हूँ, जो कि सबसे शानदार बना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, यदि आप पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो तो वीडियो को मिस मत करना दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पोल्ट्री फार्म हमारा किस तरह से बना है। ये पोल्ट्री फार्म की दोस्तों यदि मैं बात करूँ, ये पोल्ट्री फार्म हमारा काफ़ी मजबूत बना है, मतलब कि इसको हमने दोस्तों 2012 में बनाए थे, और 2012 में हमें लागत दोस्तों उसकी उस टाइम 3.5 लाख रुपए की लग चुकी थी। आप देख सकते हो दोनों साइड एकदम कॉलम दिए हैं, इस साइड भी पूरे कॉलम है दोस्तों, और इस साइड भी पूरे कॉलम है, और कॉलम दोस्तों पूरे कंक्रीट के, ईंटे के कोई कॉलम नहीं है। और ये हमने दोस्तों तो कैंची बनाया, आप देख सकते हो पूरी लोहे की जो पाइप रहते हैं उसकी कैंची बनाए। तो ये हमें दोस्तों सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा था उस टाइम। दोस्तों हमें कोई आइडिया नहीं था कि पोल्ट्री फार्म कैसे बनाए, तो हमने दोस्तों एकदम इस तरह से बनाए थे कि मजबूत रहे और अभी तक उड़े ना कुछ भी ना हो, क्योंकि दोस्तों अभी तक फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इतनी हवा तूफान भी चली है, लेकिन दोस्तों अभी तक हमारा पोल्ट्री सेट नहीं उड़ा है। और बाकी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये हमारा पोल्ट्री फार्म कैसा बना है, क्योंकि ये पोल्ट्री फार्म दोस्तों सबसे बेस्ट तरीके से बना है, कम से कम लागत में बना है। तो यदि आप भी बनाना चाहते हो तो इसी तरह का दोस्तों पोल्ट्री सेट बनाना, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ भी लेकर चलता हूँ। बाकी मैं बता दूँ इस पोल्ट्री फार्म की लंबाई दोस्तों 20 से दीवार दी है, बाकी टोटल मैं लंबाई की बात करूँ तो लंबाई दोस्तों इसकी 60 से 65 फीट लंबाई है, और अंदर अंदर दोस्तों चौड़ाई दोस्तों 25 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर भी हमारा कॉकरेल का मुर्गा 2000 मुर्गा आराम से पल जाता है, इस साइड दोस्तों 1000 और दीवार के दोस्तों उस साइड 1000, ऐसा 2-2 हज़ार हमारे मतलब चिक्स के टोटल पोल्ट्री फार्म है। टोटल 3 पोल्ट्री फार्म, हमारी टोटल 6000 बच्चे की पोल्ट्री फार्मिंग होती है। तो यदि दोस्तों पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह का पोल्ट्री फार्म ना बनाए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगा खर्चा आता है। और दोस्तों हमने एक गलती क्या करे थे जब पोल्ट्री फार्म बनाए, हमने दोस्तों दीवार चलाए थे, मतलब कि इसमें दोस्तों इतनी बड़ी आपको दीवार नहीं चलाना, इससे क्या होता है अमोनिया बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, देख सकते हो। फिर हमने दोस्तों इसकी जो दीवार थी उसकी दोस्तों मैंने ईंटें निकाल के थोड़ी सी कम कर दी हाइट। बाकी दोस्तों फॉर्म वगैरह अच्छा बना है, बट जो जाली दोस्तों हमने उस टाइम हमको कोई आइडिया नहीं था, तो जाली भी दोस्तों 10 साल समथिंग होने लगा, 10 से 12 साल, 2012 की बात है। तो अभी आप देख सकते हो जाली भी जंक खाना स्टार्ट हो चुकी है, जाली में जंक लगना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ उस पोल्ट्री फार्म में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको इस पोल्ट्री फार्म के बारे में बता दिया, इसकी हाइट कम क्यों रखें, ऊपर दोस्तों वायर गया है, लाइट गई है, मतलब 11,000 वोल्टेज की, इसके लिए हमने इसकी हाइट कम रखें। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये फार्म के बारे में भी बता दिया, आप देख सकते हो इसकी दोस्तों हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अच्छी हाइट है इसकी। दोस्तों इसकी हाइट कितनी मुझे उतना आइडिया तो नहीं है, बट हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। फार्म की हाइट मिनिमम इतनी होना,
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा पोल्ट्री फार्म अंदर से। तो दोस्तों हमने इस पोल्ट्री फार्म को, मैं लागत की बात पहले बता देता हूँ, इसको हमने 2 लाख रुपए में तैयार कर लिया। अब 2 लाख रुपए में हमने कैसे तैयार करें, और दोस्तों इस फार्म को बनाए हुए अभी 2 वर्ष हो रहा है समथिंग। दोस्तों हमने इसको 2020 में हमारा बन के फार्म में कम्प्लीट हो चुका था, 4 वर्ष समथिंग हो चुका है। और इसको हमने दोस्तों किस तरह से बनाया देख सकते हो, ये फार्म की दोस्तों दिशा है ये दोस्तों थोड़ी गलत है, बट इसके लिए हमने इसको चारों तरफ से ओपन रखे हैं। आप देख सकते हो दीवार आपको इसमें कहीं भी नहीं मिलेगी, दिशा दोस्तों इसकी गलत है। इसके लिए हमने इस फॉर्म में दीवार एक भी नहीं रखे हैं, पूरा फॉर्म को ओपन रखे। यदि दोस्तों ये हमारा पोल्ट्री फॉर्म पूर्व से पश्चिम की ओर बनता तो काफ़ी अच्छे रहता, लेकिन दोस्तों ये हमारा बना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हवा का प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए हमने इधर से हवा है इसके लिए इधर से भी दीवार ना चलाए, और दोस्तों इधर से भी फॉर्म को खुला रखें। बाकी मैं बता दूँ इसको लागत हमने कम से कम में कैसे बनाए। दोस्तों हमने ये दो सीमेंट की चादर डाले हैं ऊपर, आप देख रहे हो दोस्तों ये जो सीमेंट की चादर है ये हमने सेकेंड हैंड मंगवाए थे, तो हमें सीमेंट की चादर भी दोस्तों कम रेट में मिल गई। बाकी ये पाइप भी दोस्तों हमने कम से कम रेट में मतलब बुलाए थे, और बाकी जाली है आप देख सकते हो। जाली की दोस्तों क्वालिटी की बात करूँ मैं, ये भी एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जाली है। और हमने आजू बाजू दोस्तों पत्थर चलाएँ, पत्थर की दीवार रहती है जो उसकी दीवार चलाएँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो पानी वगैरह की, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बरसात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पानी जाता है। अभी दोस्तों बारिश नहीं हो रही है इसके लिए पानी नहीं जा रहा है। बाकी हमने इसकी हाइट दोस्तों अच्छी दी है, इसमें मुर्गा दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार होता है, इसमें वायरस वगैरह भी नहीं बनता दोस्तों, अमोनिया वगैरह कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती फॉर्म में। बस बरसात के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि झड़प वगैरह पानी की बौछार वगैरह ना आए, इसके लिए अच्छी तरीके से पैक करके रखना पड़ता है ठंड के दिनों में भी दोस्तों। बाकी गर्मी के दिनों के लिए मैं बात करूँ, ये पोल्ट्री फार्म हमारा सबसे बेस्ट पोल्ट्री फार्म है, और इसमें जो मुर्गा है काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों तैयार होता है। यदि आप भी पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो तो दोस्तों मेरी सलाह ऐसी रहेगी कि आपको इस तरह की पोल्ट्री फॉर्म बनाए, मजबूताई में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रहता है देख सकते हो। कॉलम वगैरह लंबाई की बात करूँ, लंबाई भी दोस्तों इसकी वही 60 फीट, और चौड़ाई दोस्तों थोड़ी इसकी ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई 30 फीट से 32 फीट आ सकती है। इसमें भी दोस्तों 2000 से लेकर 2200 के आसपास मुर्गा पल जाता है कॉकरेल का। बायलर की बात करूँ तो बायलर इसमें दोस्तों 1500 बच्चा आराम से पल जाता है, तैयार हो जाता है 2 से 2.5 किलो साइज होते तक। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि आप पोल्ट्री फार्मिंग का काम करना चाहते हो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म किस तरह से बनाना है मैंने आपको तीनों पोल्ट्री फार्म बता दिया, और लागत दोस्तों हमको लगभग जमाने के हिसाब से दोस्तों ये आज से 10-12 साल पहले इसमें 3.5 लाख से 3 लाख रुपये की लगभग लागत लगी थी उस टाइम, और उसको दोस्तों हमने कम से कम लागत में तैयार कर लिए थे। और इसको दोस्तों हमको 2 लाख रुपये में हमारा फार्म में तैयार हो चुका था, 2 से 2.5 लाख रुपये में। ये थी आज की छोटी सी जानकारी, और जिस किसी भी भाई को कॉकरेल की पोल्ट्री फार्मिंग करनी है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।